स्वामी ओम जी महाराज जी, आप सुनने में आए कि आप अभी एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो एक साधु प्रवृत्ति के हैं और समाज सेवा में लगे रहते हैं, आपको चुनाव की क्या जरूरत पड़ेगी आप चुनाव लड़ने की? देखिए, हमारे यहाँ लिखा है, शास्त्र में लिखा है, यथा शक्ति तथा भक्ति। तो भक्ति करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, जन सेवा करने के लिए भी ताकत की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, 23 मार्च को जिस दिन शहीदी दिवस था, उस दिन मुझे अमित शाह जी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में बुलाया था दोपहर में, और वहां पर मुझे उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी, हम चाहते हैं कि बीजेपी के टिकट से आप लड़ें। मैंने इसीलिए मीनाक्षी लेखी को रोक रखा है और गौतम गंभीर को मैंने रोक रखा है। तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझे देशद्रोहियों के खिलाफ बहुत कड़े लफ्जों में मुझे भाषण देना है, जगह जगह मुझे देशद्रोहियों के खिलाफ मुझे वातावरण बनाना है जिसको आप अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आरएसएस बीजेपी की जो पृष्ठभूमि है वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करने देती। तो उससे बेहतर यह है कि मैं हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट हूं, मैं हिंदू महासभा से लड़ूंगा और आप मुझे बैक से आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो सब के सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जीतूंगा और जीत करके मैं पार्लियामेंट के माध्यम से मैं निश्चित रूप से मैं हिंदू राष्ट्र में बनाऊंगा। जो मेरी और मोदी जी की, जब हम दोनों युवा थे, सन्यासी रूप में एक साथ रह रहे थे, तब हम दोनों ने यह फैसला किया था। दूसरी बात, ये देखिए आप, मैं ये किताब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये जो देशद्रोही अरविंद केजरीवाल है, सीआईए एजेंट, इसके खिलाफ ये किताब मैं करोड़ों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में बंटवा रहा हूँ और दिल्ली के घर घर में मैं इसको दे रहा हूँ। ये इस किताब को मैंने एमसीडी इलेक्शन के दौरान भी मैंने पूरी दिल्ली में बंटवाया था, जिससे आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था और वही सुपड़ा साफ मैं इस बार भी करूंगा। और जिस बात को मैं इतने सालों से कहता आ रहा हूं कि ये जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं ये सारे के सारे सीआईए एजेंट हैं, ये ईसाइयों के ये चेले हैं, ये इस देश को ईसाई देश बनाना चाहते हैं। वही बात अभी कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें अफसपा के खिलाफ मैनिफेस्टो में लिख करके और देशद्रोह को के कानून को खत्म करने की बात लिख करके मेरी उस बात को साबित कर दिया है। स्वामी जी, तो मैं बीच में बात काटूंगा, आप चुनाव किस राज्य से और किस क्षेत्र से आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आप देखिए, मैंने जैसे पहले कहा आपको कि 23 तारीख को, 23 मार्च को जो अमित शाह जी ने मुझे कहा था वो नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने के लिए कहा था, और वही से इससे पहले सांसद रही है मीनाक्षी लेखी, जिसको उन्होंने रोक दिया। गौतम गंभीर को नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लिया था, लेकिन मुझे टिकट देने के चक्कर में गौतम गंभीर का इन्होंने टिकट रोक दिया। लेकिन मैं इस सब के बावजूद भी, चूंकि सारे हिंदू राष्ट्रवादी लोग मेरे साथ हैं और इससे पहले भी मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ चुका हूं, ये आप देख रहे हैं, तो और हमने उस वक्त भी, हालांकि हमको प्रचार नहीं करने दे रहा था अरविंद केजरीवाल, बार बार मेरे ऊपर हमला कर रहा था, और उसके बदले में मैंने अरविंद केजरीवाल को 6 फरवरी 2015 को मैंने यही कनॉट प्लेस के राजीव चौक वाले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 6 पे मैंने पकड़ कर पीटा था, जो लाइव चला था। और इससे पहले मैंने उसको 2013 में जब वो चीफ मिनिस्टर बना था तब भी मैंने उसको घर में घुस करके पीटा था, वो भी लाइव चला था सभी चैनलों में। तो मुझे देशद्रोहियों से सख्त नफरत है, देशद्रोहियों के खिलाफ वातावरण पूरे देश में बनाने के लिए, पूरे दिल्ली में बनाने के लिए, आम आदमी पार्टी का नामो निशान खत्म करने के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। जीतूंगा भी मैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे सामने जो भी मेरे खिलाफ होंगे उनकी जमानतें जब्त होगी। और दूसरा नाम मीडिया ने मुझे, मेरा दूसरा नाम रखा है बवाली बाबा। मैं पार्लियामेंट में जाने के बाद इस तरह का भाषण करूंगा जिसके वजह से जितने भी सांसद हैं उनको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और मैं ये सारा सीआईए आतंकवाद मैं खत्म करूंगा, नक्सलवाद खत्म करूंगा, और हिंदू राष्ट्र की घोषणा मैं पार्लियामेंट के माध्यम से कराऊंगा। स्वामी जी, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्षेत्रीय जनता के लिए सबसे पहले या क्या नाम है, अपना समाज के लिए या फिर अपना कम्युनिटी के लिए, किसके लिए आप सबसे पहले किसके लिए कार्य करेंगे आप? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं जो काम करूंगा वो ये करूंगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मैं दिलवाऊंगा, पार्लियामेंट के माध्यम से वो होना है। अरविंद केजरीवाल तो ड्रामा कर